आंटी पूछने वाली थी कि आप उत्तराखंड से हैं? हाँ जी। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, ये भी उत्तराखंड से है। अरे वाह। तो क्या हम ये बोल सकते हैं उत्तराखंड रॉक्स? उत्तराखंड में तो खैर आपके चर्चे बहुत ज्यादा हैं, आपके बारे में तो लोग मुझसे पूछा करते हैं, लेकिन एक और आर्टिस्ट हैं यहाँ पर जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है उत्तराखंड में। अरे बहुत ये एक धन्यवाद। बहुत बड़ी लिस्ट लाया हूं मैं उत्तराखंड से, देहरादून से। ये आपकी सिस्टर हैं वर्षा जी। अच्छा, आपके इतने फैंस हैं उत्तराखंड में, लोगों ने मुझे ये देखिए। अरे रे रे। अरे बाप रे बाप, ये क्या है सर? ये पूरी लिस्ट है उन लोगों की जो इनका नंबर मुझसे मांग रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, धोखे में मैं तो ना एक ही बंदे ने टॉयलेट पेपर में लिख के भेजा सब। अब आप मुझे बताएं, इसमें से मैं किसको आपका नंबर बांटूं, क्या कैसे इसको कैसे आगे करें? हाँ, इन लोगों का तो पता नहीं, पर मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करना चाहूंगी अगर। वर्षा? नहीं नहीं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब अभी आप यहाँ पर हो तो आपका जो नया सॉन्ग आया है वो बूंद बूंद वाला, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो गाना गाए। जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली। आइए आइए, जोरदार तालियां हो जाए जुबिन और वर्षा के लिए। बूंद बूंद में घूमता है ये सावन भी तो तुमसा है, बूंद बूंद में घूमता है ये सावन भी तो तुमसा है। एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया कुछ खास है, कसूर ये सारा मौसम का है। बूंद बूंद में घूमता है ये सावन भी तो घूमता है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए जुबिन के लिए। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच वर्षा। कैसा लगा थापा? अच्छा लगा, बस डांस नहीं करना चाहिए था। बदमाश है यार बेटा। नहीं लग रहा, वो लग रहा था ऐसे मसाज कर रही है सब। तू कितना बदमाश है, अगली बार थोड़ा सा सिखा के ले आना। शिल्पा जी, आपसे शुरू करते हैं, कैसा लगा? शुरू में ही जो सुर पकड़ा ना विवेक और आकाश ने, तभी से पता नहीं मुझे एक फीलिंग सी आ गई थी, एक कमाल का एक्ट होने वाला है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल विवेक, सो ब्यूटिफुल। और आकाश, तुम क्या चीज हो यार। थैंक यू। हर हफ्ते ऐसे परफेक्टली तुम कैसे कर पाते हो? डिफरेंट डांस फॉर्म को आप अपना बना लेते हो और इतनी आसानी से आप उस एक्ट को ऐसे पेश कर देते हो, क्या बात है यार। दोनों के लिए मेरा साष्टांग प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम एक्चुअली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स विद हैप्पीनेस। फैंटास्टिक। और आकाश साहब, आज तो तुम्हें यू नो लैडर चढ़ने का भी मौका मिल गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी हवा टाइट भी हो गई थी तुम्हारी। सब कुछ निकल गया। ये आपकी सोच, ये जो स्टोरी टेलिंग, ये डिटेलिंग, सिर्फ स्टोरी कहना काफी नहीं होता, टू एग्जीक्यूट इट, टू ब्रिंग इट, और उसको इतनी दूर ले जाना अपने से कि हर किसी का दिल छू जाना। ये आपकी खासियत रही है हमेशा, वो छोटा माइन्यूट डिटेलिंग के एंड में आके वो लड़का साफ करता है और फिर बोर्ड पे नजर आता है कि इट इज अ ब्लाइंड स्कूल। अरे कितना गंदा कर दिया है तुम लोगों ने, अब मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा। सर, हमने होली तो खेल ली,
पर ये होली के रंग होते कैसे हैं? लेकिन आकाश, मैं हमेशा से क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको देना चाहूंगी बेटा, क्योंकि ये मंच और हमारा यहाँ एग्जिस्टेंस इतने महीनों तक इसलिए है क्योंकि आप जैसे डांसर इस मंच पर आके हर हफ्ते परफॉर्म करते हैं. क्या बात, सो वेल डिजर्व. जैसे शिल्पा मैम कहती हैं, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं कुछ कहने के लिए, और जब शब्द कम पड़ते हैं तो सर झुकता है. चौवालीस हफ्तों से हर हफ्ते उम्मीद लगा के रखता हूँ कि कुछ नया करेंगे, और आप कभी निराश नहीं करते, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मिलता है हर बार. आपके पास, सबके पास लिटरेचर है, इंटरनेट है, एवरीथिंग इज देयर. आपका एक्सेस है टुवर्ड्स, आप देखते क्या हो, पढ़ते क्या हो, लेते क्या हो, आप पे डिपेंड करता है. तो आप अच्छी चीजें लेते हो इसलिए अच्छा हमें दिखता है. आप भी देहरादून से है ना? जी मैं यही पूछने वाली थी कि आप उत्तराखंड से हैं? हाँ जी. मैं भी उत्तराखंड से हूँ, ये भी उत्तरांचल से है. अरे वाह. तो क्या हम ये बोल सकते हैं उत्तराखंड रॉक्स?